एक्सरसाइज 6.5। एक्सरसाइज 6.5 को सीखने से पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस वाज ए मैथमेटिशियन, ही वाज ए फेमस मैथमेटिशियन। पाइथागोरस एक फेमस मैथमेटिशियन था। उसने यह बताया कि किसी भी राइट ट्राइंगल में, जैसे ये राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल किसको कहते हैं, जिस ट्राइंगल में वन एंगल 90 का हो, जैसे ये एंगल बी 90 डिग्री का है, तो ये 90 डिग्री वाली साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और ये है बेस, बीसी बेस, और ये एबी परपेंडिकुलर है, और 90 डिग्री के जो सामने साइड होती है, एंगल बी 90 डिग्री का, इसकी अपोजिट साइड है एसी, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड होती है राइट ट्राइंगल में। तो पाइथागोरस ने ये बताया कि इफ़ ट्राइंगल एबीसी इज ए राइट ट्राइंगल, देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर। स्क्वेयर का मतलब दो बारी मल्टीप्लाई करना। जैसे हाइपोटेन्यूज मान लो 5 है, तो 5 का स्क्वेयर 25 होता है, 5 × 5 दो बारी मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो परपेंडिकुलर 3 है, 3 का स्क्वेयर 3 × 3 9 हो जाएगा, और बेस मान लो 4 है, 4 का स्क्वेयर 4 × 4 16 हो जाएगा, तो ये 9 और ये 16 25, और हाइपोटेन्यूज भी था 5 का स्क्वेयर 25। तो स्क्वेयर का मतलब 2 times मल्टीप्लाई करना। हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर, ये पाइथागोरस ने बताया। लेकिन पाइथागोरस से भी पहले एक इंडियन मैथमेटिशियन हुए हैं, बोधायन। बोधायन इन्होंने जो है इस बात को पहले ही प्रूव कर दिया था पाइथागोरस से पहले। बोधायन, BODHAYAN। तो ये भी हमारे भारतीय महान गणितज्ञ हैं बोधायन, जिन्होंने पाइथागोरस से भी पहले इस फार्मूले को प्रूव किया कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर होता है, किसमें, राइट ट्राइंगल ABC। तो इसका भी हमको पता होना चाहिए कि कौन से भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने पाइथागोरस से भी पहले इस फार्मूले को प्रूव किया। पेज नंबर 129 पर कुछ ट्राई दीज हैं, वो सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 में डायग्राम है, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर 3, बेस 4, और ये हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के क्योंकि सामने है एक्स, तो एक्स फाइंड करना है, और ये राइट ट्राइंगल है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर, ये पी वाई का मतलब पाइथागोरस, पूरी स्पेलिंग यहाँ से देख कर लिख लेंगे, PYTHAGORAS थ्योरम, THEORM, यहाँ फुल स्पेलिंग लिखेंगे जब हम फेयर कॉपी में सॉल्व करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर, हाइपोटेन्यूज होती है 90 के सामने वाली साइड एक्स, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर यानी कि 3 स्क्वेयर, बेस स्क्वेयर यानी कि 4 स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 3 स्क्वेयर यानी कि 3 × 3 = 9 प्लस 4 स्क्वेयर 4 × 4 = 16, 9 और 16 को ऐड कर देंगे 25। तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 25 की जगह हम लिख देंगे 5 स्क्वेयर, स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 5। पेज नंबर 129 पर ही सेकंड पार्ट, ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये राइट ट्राइंगल होगी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज एक्स है, ये परपेंडिकुलर 6, बेस 8। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ACDOT का मतलब अकॉर्डिंग, ACORDING, पूरी स्पेलिंग लिखेंगे फेयर कॉपी में, पाइथागोरस की भी पूरी स्पेलिंग लिखेंगे, PYTHAGORAS थ्योरम की भी पूरी लिखेंगे, THEORM, हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर,
हाइपोटेन्यूज है एक्स, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर, परपेंडिकुलर है सिक्स, सिक्स स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर एट स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 36 प्लस 8 स्क्वेयर हो गया 64, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 8 64, 6 स्क्वेयर 6 मल्टीप्लाई 6 36, दोनों को ऐड कर देंगे 100, तो x स्क्वेयर इक्वल टू 100 है। 100 10 का स्क्वेयर होता है, यानी कि 10 के 10 से मल्टीप्लाई 100 होती है, स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल, x इज इक्वल टू आ जाएगा 10। अब यहाँ क्योंकि कोई यूनिट नहीं लिखा है मीटर सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ भी कोई यूनिट नहीं लिखा है। अगर यहाँ भी यूनिट यहाँ सेंटीमीटर यहाँ सेंटीमीटर होता तो हम यहाँ सेंटीमीटर लिखते। थर्ड पार्ट में यहाँ 15 सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ 8 सेंटीमीटर और यहाँ x, x जो है ये 90 डिग्री की अपोजिट साइड है, तो x को हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे, ये परपेंडिकुलर और ये 8 बेस। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर। हाइपोटेन्यूज हो गया x, x स्क्वेयर इक्वल टू 15 स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर 8 स्क्वेयर। x स्क्वेयर इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 15 225, 8 स्क्वेयर 8 इंटू 8 64, तो x स्क्वेयर इज इक्वल टू दोनों को ऐड कर देंगे 289। x स्क्वेयर इज इक्वल टू 289 की जगह 17 का स्क्वेयर, स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 17। फोर्थ पार्ट में ये एक राइट ट्रायंगल है, 90 का एंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे x, ये परपेंडिकुलर 24 और बेस 7। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर। हाइपोटेन्यूज हो गया x स्क्वेयर इक्वल टू परपेंडिकुलर 24 स्क्वेयर बेस 7 स्क्वेयर। x स्क्वेयर इज इक्वल टू 24 इंटू 24 576, 7 स्क्वेयर 7 इंटू 7 49, दोनों को हम ऐड कर देंगे 625, तो x स्क्वेयर इक्वल टू 625, 625 होता है 5 का 25 का स्क्वेयर, स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल, x इज इक्वल टू 25। अब यहाँ भी कोई यूनिट नहीं था मीटर सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ भी कोई यूनिट नहीं लिखा। तो ये फोर क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे और ये फार्मूला जो मैंने लिखवाया है स्टार्टिंग में, इसको भी हम अपनी फेयर कॉपी में लिख लेंगे, और ये फोर क्वेश्चंस पेज नंबर 129। थैंक यू।